नंबर वन जो है हमारे जो जिला परिषद चेयरपर्सन दोबा लामियों का से हम लोग जो है विद्रोह करके रखा हुआ है। कंप्लेन ऐसा है कि रीजन ऑफ द तो क्या ये हम जान सकते हैं आप लोग के पास में कितने एविडेंस है? गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स, आज हम लोगों का ग्रेवेंसेस को प्लेस करने के लिए मौका दिया धन्यवाद। हमारे नाम मोहित बगंग, जेड पी एम चैंगता जो, और ये न्यारी बेंदे जेड पी एम सावा, ये अंशु रिमो जेड पी एम एट सप्पा, अर्कु सोनो एट पी जेड पी एम आपका सप्पापू सर्कल, ये हमारे लेफ्ट में लादा तयम जेड पी एम नाइन पापू वैली, ये हमारे प्रीतम यंगदा जेड पी एम लेवल बात है, और हमारा एक साथी है आपका जिला परिषद बाना जो अभी हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं होने का चलते ये मेडिकल में है। हम लोग आज हमारे दो तकलीफ को मीडिया का माध्यम से हमारे जो पार्टी का ऑथोरिटी स्टेट गवर्नमेंट का ऑथोरिटी को हम लोग बताने जा रहा हूँ। नंबर वन जो है हमारे जो जिला परिषद चेयरपर्सन दोबा लामियों का से हम लोग जो है विद्रोह करके रखा हुआ है। हमारे दुख तकलीफ को स्टेट का चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग ने 12 तारीख को मेमोरेंडम सबमिट किया है, और 11 तारीख में स्टेट का प्रेसिडेंट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग का दुख तकलीफ को मेमोरेंडम हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। 24 ऑफ दिस मंथ वी हैड मेमोरेंडम सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इस्कामेन डिस्ट्रिक्ट यूनिट बीजेपी, और आज हम लोग हमारे दुख तकलीफ को रिप्रेजेंटेशन को मेंबर सेक्रेटरी को हम लोग सबमिट करने जा रहा है। तो उनका लीडरशिप में हम लोग जो है दोबा लामियों का जिला परिषद चेयरपर्सन में हम लोग जो है नहीं बैठ पा रहा है, बैठना नहीं चाहता है, इसलिए हम लोग जो उनसे हम लोग इस्कामेन में जो बीजेपी पार्टी का 10 इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर्स है, आउट ऑफ द 10 में से हम लोग 7 टू टाप मेजोरिटी का साथ हम लोग जो है इनसे विड्रॉ करके रखा हुआ है। जैसे कि आप लोग का जो आप लोग बोल रहे 2/3 मेजोरिटी में आप लोग जेडपीसी को कंप्लेन है, तो आप लोग कंप्लेन का क्या रीजन है, क्या चीज में आप लोग नाराजगी है? कंप्लेन ऐसा है कि रीजन ऑफ द विड्रॉवल इज दैट कि हम लोग को सेंस फ्रॉम द 2021 से लेकर अभी तक हम लोग को पार्टी से हम लोग को गवर्नमेंट से उन्होंने साइड लाइन करके रखा हुआ है, बीजेपी स्पेशली जो है बीजेपी जिला परिषद को। तो गवर्नमेंट का जो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को जैसे पेमा खांडू साहब का सरकार में, नरेंद्र मोदी साहब का सरकार में हम लोग को जो है स्कीम्स देता है, कुछ पॉपुलेशन बेस में देता है, कुछ ज्योग्राफिकल बेस में देता है, वो सब चीज़ को इन्वॉल्वमेंट नहीं कराता है, सिर्फ हम लोग इसलिए उनका लीडरशिप में कुछ है तो सिर्फ नॉन बीजेपी जिला परिषद लोग को कुछ हो सकता है, हम लोग जो बीजेपी जिला परिषद को कुछ नहीं है। हम लोग आज 7 सिग्नेचरीज है अंदर में, और भी हम लोग का कुछ बीजेपी का और जिला परिषद है उन लोग भी कुछ नहीं है, लेकिन उन लोग कुछ अपना प्रॉब्लम का चलते एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तीसरा है कि जैसा SOR आपका जो परफॉर्मेंस ग्राउंड में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट जो पेमा खांडू साहब का सरकार में अनाउंस किया गया था कि सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट जो परफॉर्मेंस करने वाला डिस्ट्रिक्ट को जो है आपका 5 crore जो है एज ए टॉकिंग ऑफ द स्कीम में मनी में दिया जाएगा, तो उसमें से भी हम लोग का इस्कामेन जो नंबर वन है, लेकिन उसमें भी हम लोग से इस जिला परिषद मेंबर से आपका 30% डिमांड कर रहा है, 30% एज ए कमीशन जिला परिषद से मांग रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क जो है मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग जो है परसेंटेज बेस को तो हमारा पेमा खांडू साहब का सरकार में, नरेंद्र मोदी साहब का सरकार में टॉलरेट नहीं करता है, इसलिए हम लोग जो है ग्राउंड में इम्प्लीमेंट क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोगों ने जो है इनसे विद्रोह किया है कि हम लोग 30% कमीशन नहीं दे पाएगा। कुछ लोगों से कॉन्ट्रैक्टर से कुछ लोगों से ऑलरेडी ले चुका है उन्हें,
इसलिए हम लोग जो है और कुछ कुछ गवर्नमेंट का जो कुछ कुछ आपका ग्राउंड लेवल में GRSF क्रिएट किया है, कुछ कुछ चीज़ को भी हम लोग का नॉलेज में, किसी जिला लोग का नॉलेज में नहीं है। अपने हिसाब से वो हम लोगों को मालूम चलने नहीं दे के अंदर ही अंदर में वो कर रहा है, इसलिए हम लोग विद्रोह करके रखा हुआ है। सर, जैसा कि आप लोग ने क्या है कि प्रॉब्लम है, तो क्या ये हम जान सकते हैं आप लोग के पास में कितने एविडेंस है? एविडेंस ही दायर कि हम लोग जो है समय आने पर हम लोग जिस से वो SOR में पैसा लिया है उनका जो अकाउंट ट्रांजेक्शन भी वी कैन प्रोड्यूस और आपका ये हम लोग का मांग। तो सर, जैसे कि आप लोग अभी जो 7 जिला लोग अभी आप लोग 2/3 मेजोरिटी में है, तो जैसे कि अभी ये न्यूज पब्लिश हो जाएगा तो रातों रात या कल परसों भी आप लोग अंडरस्टैंडिंग में, फिर आप लोग अपना स्टैंड में आप लोग रहेगा क्या? फिर आप लोग का मेंबर में से कोई निकल जाएगा तो ऐसे कुछ सिचुएशन आएगा क्या? क्या है मतलब हमारे व्यूअर्स का तो एश्योर कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स कि हम लोग का 7 सिग्नेचरीज जो है हम लोग कभी भी विथड्रॉ नहीं करेगा। हम लोग गवर्नमेंट से भी, हायर अथॉरिटी से भी यही मांग है कि हम लोग पार्टी से तो हम लोग मार्च नहीं करेगा, मार्च करना नहीं चाहता है। हम लोग का सोच विचार ये है कि विद इन द हम लोग का 7 में से दोबा लामियों को छोड़ के किसी भी कैपेबल लीडर को आप जिला परिषद का रूप में आप बना दीजिए, ताकि हमारे मोदी साहब का, हमारे पेमा खांडू साहब का जो सोच को, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी को ग्रास रूट में जो शासक जो इम्प्लीमेंट कर सकने वाला, ग्रास रूट तक पहुंचा सकने वाला एक लीडर बना के भेज दीजिए। हम लोग यही मांग करता है, हम लोग कभी भी हम लोग जो सिग्नेचरीज जो है विथड्रॉ नहीं करेगा, रुपया पैसा में हम लोग कभी भी अपना आपको जो बिक्री नहीं करेगा। और सर, जैसे कि आप लोग 7 मेंबर में से जो 3 मेंबर है उन वो तीनों में से बनाना है ऐसा, जेट पी वो 3 होगा। हम लोग का मांगना है कि हम लोग का 7 सिग्नेटरीज में किसी को भी देना है, मेजोरिटी पार्टी मेजोरिटी से हम लोग का पास है। देखो, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी से होता है, हम लोग का पास में जो 7 जो है 2/3 मेजोरिटी से आउट ऑफ 10 में से, इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग में से किसी को भी आपको कैपेबिलिटी जो दिखाई देता है उसमें से आप लोग हायर अथॉरिटी जो बना दीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।